80% डाइट होती है, 20% वर्कआउट होता है। तो डाइट तो फॉलो कर रहा हूँ ना मैं। तो देखा जाए आज का वेट कितना है हमारा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज जो है मौसम बहुत जोरदार, और आज हो रही है बारिश, अभी भी हो रही है बारिश, आप देख सकते हैं। ये देखिए लोग अपना आना जाना कर रहे हैं, और पानी की बहुत ही छोटी छोटी बूंदे हैं आज। तो आज वर्कआउट करने में अलग ही मजा आने वाला है, कुछ ज्यादा ही पानी गिर रहा है बरसात के मौसम में। तो दोस्तों आज दो तीन दिन बाद मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ, तो देखते हैं आज लोगों के क्या रिएक्शन रहते हैं मेरे को देखकर। कुछ लोग चौंक जाएंगे मैं कैसे आ गया हूँ। दोस्तों यहाँ देख रहे हो प्रोग्राम चालू है, क्लास खत्म। ओह शिट, ये देखो सर, ये आज हिंदी में लिखा हुआ है, थोड़ी हिंदी मेरी कमजोर है। मैं ये 8 को 7 समझ रहा था, इसमें एक्सक्यूज वाली क्या बात है भाई। अरे वाह सर, ये बढ़िया लगा दिए। तो आप देख सकते हैं क्या मौसम है आज का। हाय 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 हाय, ऐसे मौसम में वर्कआउट का मजा ही कुछ और। जैसे जैसे गैप हो जाता है फिर से आपको इस टाइम में रिगेल करना पड़ता है, इसीलिए भाई गैप मत करो, रेगुलर जाओ, कम से कम 30 डेज फिटनेस चैलेंज में जाओ भाई। फिर 30 दिन बाद मत जाना, 2 संडे आ जाएगा, किसी ना किसी बात को सैटरडे में छुट्टी दे ही दूँगा। देखिए सर बात ऐसी है कि अभी अपन 1 किलो तो कम हो गया, 70 के नीचे भी आ गया अपन, तो 30 डेज चैलेंज अपना थोड़ा ठीक हो जाए। हमको वेट नहीं देखना है सर, हमको ये देखना है फैट। फैट ना, टेंशन हो गया दोस्तों, बहुत टेंशन हो गया। पूरा सोते रहते हैं सर, ये तो कट जाएगा। 17 दिन, 4 दिन तो वर्कआउट किए हो, ये भी कटेगा। उसका नहीं काटना सर, ऐसा नहीं, असलियत सबको बताओ ताकि मेरा बेइज्जती ताकि मेरा बेइज्जती। 3 दिन बाद सर बोलेगा कि मैं तो जा रहा था 3 दिन, तो चार साल में अच्छे से वर्कआउट कराया नहीं और मेरा फिर कुछ हुआ नहीं। एक चीज पता है आपको, 80% डाइट होती है, 20% वर्कआउट होता है। तो डाइट तो फॉलो कर रहा हूँ ना मैं, 80% काम तो कर रहा हूँ। नहीं नहीं होगा होगा, देख मैं प्रॉमिस करता हूँ सर, 30 डेज में अगर आपको चेंजेस नहीं दिखे मेजर, अगर मेरा वेट 70 से नीचे नहीं आया, वेट नहीं देखना है ना, ये फैट देखना है ना, तो ये 1 महीने में कैसे जाएगा सर, 1 महीने में कहाँ जाता है ये पेट का फैट, 3 महीने लगेगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है जल्दी आना, मेरे से आने से पहले शटर खोलना पड़ेगा। दो सर अच्छा भी था मेरे को शाम को एक हफ्ते क्लास नहीं होगी। दोस्तों बहुत ज्यादा बेइज्जती यहाँ सहने पड़ रही है मुझे, तो कल से जो है आना ही पड़ेगा भाई। मैं प्रैंक शूट कर रहा था, प्रैंक एडिट किया भाई, टाइम लगता है, 24 घंटे कंटिन्यू एडिटिंग किया, कैसे आ पाता सर बताओ। आप लेट क्यों होते हैं रात में वैसे? मैं खड़ा नहीं बैठू, ठीक है, सिर्फ यूट्यूबर्स की जिंदगी नहीं होती है, ठीक है, बहुत काम आता है हमको भी। कल से आई प्रॉमिस एटलीस्ट 30th February तक, सॉरी 28th February तक। अबे साले तो महीना भी 31 का नहीं है, ये बाप रे बाप। दोस्तों बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा आज, 17 है ना, 14 दिन में फाड़ देंगे, बट टेंशन मत लो। नहीं फाड़ने वाले।
देखते देखते अभी दिन बचे हैं, जब तक खत्म नहीं होते दिन तब तक देखेंगे, लास्ट डे देखेंगे। पर अंदर कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट डे और लास्ट डे का, अपन वो करेंगे क्या BMI से पता कर लेंगे ना, वैसे दिखता है ना फैक्ट, ऐसे पता चल जाएगा ना, आप तो सही से बता दोगे है ना। ठीक है चलो सर, अरे यार तो जा रहा हूँ, क्या हो गया अब तो बंद कर लो। अरे तो कैसा लगा बता तो भाई, कैसा लगा नहीं बताएगा क्या यार। बता क्या, कैमरा से कोई डरता है क्या? डरना भी नहीं चाहिए ना, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और क्या, बुखार कहाँ है? अबे मास्क को भी दिखाएगा तू उसमें? I capture every moment. No, you don't. एक ब्लॉगर को देख के दूसरा ब्लॉगर कैसे मतलब जाग जाता है। सब कुछ ही ब्लॉगिंग है, मजा तो है। हाँ, मजा तो है, टाइम पास हो जाता है थोड़ा बढ़िया। कल से क्योंकि फरवरी बहुत कम दिन बचे सर, अब हमको कुछ करके दिखाना है। मुझे दोस्तों, मुझे इट्स ऑल ऑन मी। तुषार सर की इसमें कहीं भी कोई भी गलती नहीं है। आएगा कि कटेगा? ये नहीं कटेगा। सर अपने तरफ से 100% दे रहे हैं। आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। अब देखो दोस्तों, कल से फाड़ दूंगा अपनी अपनी और रिजल्ट दिखा के आपकी। ये देखिए दोस्तों, हमारे पायरेट पू द गेमर हमें हाथ दिखाते हुए, सौभाग्य हमारा। समोसा चटनी के साथ इतना बढ़िया लगता है कि मैं क्या बताऊं। समोसा और गुपचुप, मतलब मैं इतना फेवरेट है मेरा कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। पर उस चीज से जब आप ऐसी चीज में शिफ्ट हो जाते हो जहां आपको ये हरी घास फूस, ये चुकंदर, ये खाना पड़ता है, तो इसका भी एक अलग मज़ा है। अब देखते हैं कितने दिन इसको खा पाते हैं, क्योंकि अब थोड़ा टेंशन हो गया है। 17 दिन निकल गए, 12 दिन बचे हैं, देखते हैं कैसा रहता है 30 डेज फिटनेस चैलेंज। तो आज प्लानिंग करेंगे हमारे जो बची हुई शूटिंग है अंदर रिपोर्टर की, उसको करना है, और देखते हैं अंदर रिपोर्टर कब तक आता है। तो आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं।